हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन है। जो स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन है वो बताना है कौन सा होगा, स्टैंडर्ड स्कोर, परिवर्तनशील वेरिएबिलिटी, वेरिएंस या फिर मॉड। स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है आपका हो जाता है वेरिएंस हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट करेगा। और जिसको भी हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना है वो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9621819209 पे कॉन्टेक्ट करके वो पेड ग्रुप से जुड़ सकता है, जिसका प्राइस 500 रुपीज रखा गया है, जिसमें आपको वन लाइनर क्वेश्चंस पीडीएफ के रूप में, एमसीक्यू की पीडीएफ, मॉक टेस्ट, 20 प्रैक्टिस सेट और भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है आपका किस स्थिति में से स्किन फोल्ड माप लेता है पेट एब्डोमेन की, नाभ के लगभग 5 सेंटीमीटर नीचे से, ठीक नाभि से, नाभ के सीधे हिस्से से लगभग 2 सेंटीमीटर से, या फिर कहीं से भी ले सकता है। राइट आंसर 152 का जो रिलेट करेगा क्या हो जाएगा यहां पे, राइट आंसर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, नाभ के सीधे हिस्से से लगभग 2 सेंटीमीटर से इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 153। यदि किसी परीक्षण ने वास्तव में वही मापा है जिसके लिए उस टेस्ट को डिजाइन यानी बनाया किया गया था तो उस टेस्ट को कहते हैं, उसको क्या बोला जाता है, एक्यूरेट यानी शुद्ध, ऑब्जेक्टिव, वैध या फिर विश्वसनीय। तो इसको जो बोला जाता है इसको वैध माना जाता है, यानी सी हो जाएगा इसका, वैध हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट कर जाएगा। यूट्यूब पे आप लोग जैसे ही सर्च करेंगे फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर पार्ट 1 से लगाकर पार्ट 143 तक अभी तक जितनी भी वीडियोज अपलोड की जा रही वो सारी वीडियोज आपको एक साथ में देखने के लिए मिल जाएंगी। जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, वीडियो पसंद आ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवस्थित नमूने यानी सिस्टमैटिक सैंपलिंग होते हैं प्रोबेबिलिस्टिक, संभाव्य, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक यानी गैर संभाव्य यानी ए और बी दोनों नहीं, या फिर थोड़ा ए थोड़ा बी। 154 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मॉक टेस्ट के रूप में आप लोग अपनी स्कोरिंग भी करते रहिएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रोबेबिलिस्टिक यानी संभाव्य इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक खेल कौशल परीक्षण का अर्थ निर्भर करता है कि वह परीक्षण वह खेलों का प्रतिनिधित्व करता हो, खेल के स्थिति के तरह मापन अत्यंत विश्वसनीय यानी रिलायबल हो, अत्यधिक वैध हो। तो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, इसका राइट आंसर चला जाएगा बी ऑप्शन, नहीं खेल की स्थिति की तरह मापन हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। नोट्स के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं 9621819209। यूपी टीजीटी की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन रिलीज होना है, जो आप लोग अगर टीजीटी की तैयारी करना चाह रहे हैं, ग्रुप से जुड़ना चाह रहे हैं पेड ग्रुप से, तो 500 रुपीज चार्ज रखा गया, 500 रुपीज का पेमेंट करके आप लोग ग्रुप से जुड़ सकते हैं, फ्री वाले ग्रुप से भी आप लोग ऐड हो सकते हैं इसी नंबर पे ऐड होके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ वो देख लेते हैं क्या है, वन मिनट। यदि एक नवनिर्मित परीक्षण विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी की कसौटी पर औसत से कम पाया जाता है तो उस परीक्षण को जाना जाता है, तो उस परीक्षण को किसके रूप में जाना जाता है, नमूने के परिवर्तन और परीक्षण प्रक्रिया, एक ही तरह की स्थिति में कई बार परीक्षण या फिर बदले हुए प्रारूप के साथ परीक्षण के पुनर्निर्माण के लिए वापस जाना, परीक्षण की मदों को संशोधित करना या फिर मदों को निकाल देना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर रिलेट कर जाएगा आपका सी ऑप्शन, यहां पर सही हो जाएगा सी ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट करेगा, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, स्क्रीन ले लीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 157। हेलमेट टेस्ट बैटरी का किस खेल में प्रयोग होता है, जो हेलमेट टेस्ट बैटरी उसका किस खेल में प्रयोग किया जाता है, साकर यानी फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी या फिर बैडमिंटन। 157 ये प्रयोग किया जाता है वॉलीबॉल में, यानी बी ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट कर जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहीं पे देखते हैं 158 नंबर का क्वेश्चन दिया, रूलर ड्राफ्ट टेस्ट मापता है, किस चीज को मापता है, चपलता, गति, संतुलन, प्रतिक्रिया समय। तो रूलर ड्राफ्ट टेस्ट जो मापता है यह सब मापता है आपका प्रतिक्रिया समय को, यानी डी ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका स्प्रिंग, वन मिनट ये क्वेश्चन नंबर आपका होना चाहिए था 150, रूलर ड्राफ्ट टेस्ट।
तो रूलर ड्राफ्ट टेस्ट जो मापता है ये किस चीज को मापता है, अभी आपको बताया, प्रतिक्रिया समय को मापता है, यानी डी ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका स्प्रिंग स्केल रिंग मापता है, जो स्प्रिंग स्केल रिंग होता है वो किस चीज को मापता है, VO2 अधिकतम ताकत लचीलापन या फिर सहन क्षमता 159। स्प्रिंग स्केल रिंग जो मापता है ये ताकत को मापता है, यानी कि बी ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट करेगा, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 160 नंबर दिया हुआ है, जब टेस्ट परीक्षण का स्कोर अप्रभावित होते हैं परीक्षणकर्ता द्वारा, तब परीक्षणकर्ता के व्यक्तिगत निर्णय अनुसार उस टेस्ट को कहा जाता है 160, तो उसको क्या बोला जाता है, विश्वसनीय ऑब्जेक्टिव वैध या फिर सब्जेक्टिव, इसको क्या बोलते हैं। और जो लोग भी यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी चैनल से जुड़ना चाह रहे हैं, एनबीएस केवीएस डी ट्रिपल एसपी या फिर अदर स्टेट्स के हैं, अगर आप लोग फिजिकल एजुकेशन की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप लोग ग्रुप से ऐड हो सकते हैं। ग्रुप का मोबाइल नंबर आपको दे देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का 9621819209, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप लोग कॉन्टेक्ट करके व्हाट्सएप के ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और पेड क्लासेस भी चलाई जा रही, उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं, जिसमें आप लोग को वन लाइनर पीडीएफ, एमसीक्यू पीडीएफ, मॉक टेस्ट, 20 प्रैक्टिस सेट एंड अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज में। जिसको भी हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना, 500 रुपीज का पेमेंट करके ग्रुप से जुड़ सकता है। यूपी टीजीटी का नोटिफिकेशन बहुत जल्द रिलीज होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विश्वसनीय ऑब्जेक्टिव वैध या फिर सब्जेक्टिव, 160 इसका राइट आंसर चला जाएगा, सी ऑप्शन के साथ में वैध हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, एक परीक्षण की बुद्धिमत्ता और साधकी के निर्देशों का सीधा संबंध होता है उसके मानदंडों यानी नियमों की गणना रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता और ऑब्जेक्टिवली परीक्षण प्रक्रियाओं से आवेदन और परिणाम से। 161 का राइट आंसर क्या होना चाहिए यहां पर, राइट आंसर जो हो जाएगा 161 का मानदंड यानी नियमों की गणना हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, ए ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट कर जाएगा। ग्रुप में डेली आप लोगों को क्विज कराया जाता है, क्विज के साथ में संडे में आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं जो बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। आज भी आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया, अभी क्विज आप लोगों के लिए दे दी जाएगी, क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए गए। शरीर के कोऑर्डिनेशन समन्वय के लिए निम्नलिखित परीक्षणों में से किस परीक्षण को श्रेष्ठ माना जाता है, किसको श्रेष्ठ माना जाता है, बॉल को फेंकना और कैच करना, डिप्स और स्क्वाट को, शटल गन को या फिर 6 मिनट दौड़ को, 162 में बताना है आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा। और अपनी स्कोरिंग भी करते रहिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किस तरीके से आपको तैयारी करना है, कितना पढ़ना है, कौन सी बुक से हमको थ्योरी पढ़नी, कहां से कैसे तैयारी करनी है और कितना रिविजन करना है। 162 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, बॉल को फेंकना और कैच करना हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, ए ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाधा दौड़ एक अच्छा आकलन करती है किस चीज का, लचीलेपन की सीमा का, शरीर की ताकत का, समन्वय तालमेल का या फिर गतिविधि की गति का। एक बाधा दौड़ जो है एक अच्छा आकलन करती है किस चीज का आकलन करती है, 163 यह समन्वय तालमेल का आकलन करती है, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट कर जाएगा इसका, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 164, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन लिया गया है और आप लोग इसको एक से दो बार अवश्य पढ़िएगा, क्योंकि पूरा रिवीजन करेंगे तभी आपके क्वेश्चन माइंड में फीड होंगे। गोनियोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, गत, चपलता, लचीलापन, शक्ति। तो गोनियोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है ये किसके लिए किया जाता है, लचीलापन के लिए किया जाता है, सी ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट कर जाएगा। कूपर परीक्षण मापता है किस चीज को, कूपर परीक्षण मापता है शरीर की चर्बी, ताकत, हृदय श्वसन, सहन क्षमता। तो जो कूपर परीक्षण ये मापता है किसको मापता है ये बताना है आपको। 165 हृदय श्वसन सहन क्षमता को मापता है, यानी सी ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं, दिया 166 एंथ्रोपोमेटिकल परीक्षण द्वारा मापा जाता है किस चीज को मापा जाता है, शरीर की शक्ति, शरीर का लचीलापन, शरीर का आकार और अनुपात, शरीर की सहन क्षमता। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा 166 का। और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कम से कम 5 दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कर दीजिएगा, जो भी फिजिकल एजुकेशन की तैयारी करें उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नोट्स प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ के रूप में, 9621819209। और जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे टोटल 10,000 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो हमारे पेड ग्रुप से जुड़ेंगे, 5,000 तुरंत दे दिए जाएंगे, उसके बाद आप लोग को मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिया जाए, उसके बाद धीरे धीरे आपके सारे क्वेश्चंस आपके ग्रुप में या फिर आपको पर्सनल नंबर पे सेंड कर दिए जाएंगे, जो भी हमारे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड किए होंगे उनको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 166 का क्या होगा सही ऑप्शन, शरीर का आकार और अनुपात हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया 167 वेट स्पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है किस चीज को, वेट स्पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। आप लोग मेहनत करते रहिएगा क्योंकि वैकेंसीज आने वाली हैं। लचीलापन, फेफड़े की क्षमता, रक्तचाप या पल्स दर,
तो वेट स्पायरोमीटर द्वारा जो मापा जाता है, ये मापा जाता है फेफड़ों की क्षमता होगा। इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 168, योयो साइन क्षमता परीक्षण लगातार को और किस नाम से भी जाना जाता है? ऊंच यानी ऊंचाई परीक्षण, बीप परीक्षण, वजन परीक्षण या फिर ताकत परीक्षण। 168 इसको बीप परीक्षण के नाम से जाना जाता है। और योयो टेस्ट आपका किस में होता है? क्रिकेट में भी कराया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। योयो परीक्षण को किसने प्रतिपादित किया? इसको किसने प्रतिपादित किया? जेम्स बंगसबे, फेडरिक यान गास्टाहोम, जेजी पेरिन। हु इज द फाउंडर ऑफ योयो? व्हाट इज द राइट आंसर? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जेम्स बंगसबे हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। ए ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट कर जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 170 नंबर, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए योयो परीक्षण में कितनी गति के स्तर को निर्धारित किया गया? इसका आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है राइट आंसर क्या होना चाहिए। 16:1, 17:4, 19:1 या फिर 20:1, यानी ये बताना है आपको किसका कितना अनुपात होगा। 16:1 होगा, 17:4 होगा, 19:1 होगा या फिर 20:1 होगा, इसको आपको कमेंट के माध्यम से बताना है इसका राइट आंसर 170 का क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय क्रिकेटर योयो टेस्ट में फेल हो गया था? विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रविचंद्रन अश्विन या फिर सुरेश रैना। 171, तो योयो टेस्ट में जो क्रिकेट टेस्ट में जो कराया जाता है इसमें कौन फेल हुए थे? ये सुरेश रैना फेल हुए थे। तो भारतीय क्रिकेटर योयो टेस्ट में फेल होने वाले उनका नाम है सुरेश रैना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रीडल का मैदानी हॉकी परीक्षण किसका मापन करता है? ड्रिबलिंग, डॉजिंग, ड्राइव करते हुए आगे बढ़ना, लक्ष्य को मारना। तो फ्रीडल का मैदानी हॉकी परीक्षण किसका मापन करता है? यह मापन करता है आपका ड्राइव करते हुए आगे बढ़ना का मापन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 173, मैदानी हॉकी में कीरू बाकरण कौशल परीक्षण निम्न में से किस एक को शामिल नहीं करता? ड्रिबलिंग, डॉजिंग, लक्ष्य को मारना, ड्राइव करते हुए आगे बढ़ना। 173 राइट आंसर हो जाएगा आपका, ड्राइव करते हुए आगे बढ़ना इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। जो लोग भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, 9621819209 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप लोग कॉन्टेक्ट करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ के रूप में, जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज का। 500 रुपीज का केवल आपको वन टाइम पेमेंट करना है, उसके बाद आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। उसमें आपको मॉक टेस्ट दिया जाएगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस दिया जाएंगे, 20 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, वन लाइनर की पीडीएफ, सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको पेड ग्रुप में दिए जाएंगे। व्हाट इज द राइट आंसर? 173 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पे नहीं लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर 173 का राइट आंसर चला जाएगा आपका डी ऑप्शन के साथ में। अभी आपको बताया था डी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉकहार्ट बैडमिंटन कौशल परीक्षण क्या मापता है? खेलने की योग्यता, सर्विस का परीक्षण, स्मैश कौशल, ऊंची और गहरी सर्विस। लॉकहार्ट बैडमिंटन कौशल परीक्षण क्या मापता है? 174 ये मापता है आपका, क्या मापेगा? खेलने की योग्यता को मापता है, नहीं ए ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट कर जाएगा। इसी के साथ में देख लेते हैं 175 क्या दिया हुआ है, स्कॉट और पुल्स का बैडमिंटन कौशल परीक्षण क्या मापता है? स्कॉट और पुल्स का बैडमिंटन कौशल परीक्षण जो मापता है, रैली कौशल, स्मैश कौशल, छोटी सर्विस, ऊंची और गहरी सर्विस, ये किस चीज को मापता है ये बताना है आपको। और जो लोग भी चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल सके। जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड की जाए आपका उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो अगर वीडियो भी पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कम से कम 5 दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर दीजिएगा। नोट्स के लिए आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9621819209, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप लोग कॉन्टेक्ट करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज रखा गया। यूपी में टीजीटी की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन बहुत जल्द रिलीज होने वाला है। जो लोग ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं पेड ग्रुप से, 500 रुपीज का पेमेंट करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर 175 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ऊंची और गहरी सर्विस हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 176, जॉनसन का बास्केटबॉल कौशल परीक्षण निम्न में से सभी को शामिल करता है सिवाय एक्यूरेसी के लिए फेंकना, ले अप शॉट, डाजिंग दौड़, जंप और पहुंचना। 176 किससे रिलेट करेगा? यहां पे देखिएगा क्वेश्चन में लिखा है सिवाय, तो डाजिंग दौड़ होगा या फिर ले अप शॉट होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ले अप शॉट हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उल्लेख नाकस बास्केटबॉल कौशल परीक्षण में नहीं है? दीवार पर उछालना, वर्टिकल जंप,
ड्रिबल शॉट तेजी से ड्रिबल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कौशल परीक्षण में नहीं तो वर्टिकल जंप इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट कर जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और जो लोग भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो लोग भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करें एक बार चैनल पर जाकर सारी वीडियो आप लोग देखिएगा, आपको क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। और जिसको भी हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना है, जिसको भी नोट्स प्राप्त करना है, वो 9621819209 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग व्हाट्सएप करके इसके बारे में पता कर सकते हैं। बस आप लोग जब कहते हैं कि सर स्क्रीनशॉट कुछ पीडीएफ का सेंड कर दीजिए, जब आप स्क्रीनशॉट मंगाते हैं तो उसमें हम सारे क्वेश्चंस आपको एक साथ में नहीं दे सकते, कुछ ही क्वेश्चंस मिलेंगे, हो सकता है उसमें कुछ इजी क्वेश्चंस आपको दिखाई पड़े, क्योंकि जब आप नोट्स लेंगे उसमें आपको सारे चैप्टर्स कवर किए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस दिए हुए, टफ भी हैं इजी भी हैं, हर तरीके के क्वेश्चंस हमने यहां पे कलेक्ट किए हैं पीडीएफ में। जो लोग भी पेड ग्रुप से जुड़े हैं उनको क्वेश्चंस आधे दिए जा चुके हैं, अभी जो क्वेश्चंस बचे हुए वो दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर 178 का क्या हो जाएगा, यहां पे 40 फुट दौड़, दीवार पर उछालना, वर्टिकल जंप पर तेजी से ड्रिबल, 178 तेजी से ड्रिबल हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट करेगा। 179 नंबर देखते हैं, हैरिसन बास्केटबॉल कौशल परीक्षा में निम्न में से सभी को शामिल करता है सिवाय, इसको भी ध्यान रखिएगा यहां लिखा हुआ सिवाय, तो लक्ष्य का निर्धारण, गतिमय पास, दीवार पर उछालना या फिर रिबाउंडिंग, 179 का राइट आंसर हो जाएगा दीवार पर उछालना, यानी सी ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट कर जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा। वीडियो पसंद आ रहा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 180 नंबर दिया हुआ है, जॉनसन और नेल्सन हैंडल कौशल परीक्षा में निम्न में से किसको शामिल करता है, किसको शामिल करता है, 30 सेकंड वॉली, सर्विस प्लेसमेंट, फ्रंट वॉल प्लेसमेंट या फिर उपरोक्त सभी, 180 का राइट आंसर क्या होगा, यहां पे आपको बताना है क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, इसका जो राइट आंसर चला जाएगा 30 सेकंड वॉली हो जाएगा, सर्विस प्लेसमेंट हो जाएगा, फ्रंट वॉल प्लेसमेंट, यानी राइट आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, डी ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया 181 नंबर, वन मिनट, बांध चौरे तथा बेरा का खो खो कौशल परीक्षण की स्थापना कितने परीक्षण मदों के आधार पर की गई है, 10, 12, 6 या फिर 8, तो 181 का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 10 हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 182, खेल मनोवैज्ञानिक यानी सॉरी खेल वैज्ञानिक रिसर्चर गैल्सन ने शोध किया कि डिस्कस की वायु गति को निर्धारित करने में डिस्कस को फेंकने के किस कोण पर पकड़ना चाहिए, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 29 डिग्री या फिर 30 डिग्री, इसका राइट आंसर आपको बताना है, इसका हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 183, अभ्यास को अक्सर प्रशिक्षण के रूप में वर्णित किया जाता है और इसमें शामिल होना चाहिए, इसमें क्या शामिल होना चाहिए, फेफड़ों का परिश्रम, मांसपेशियों का परिश्रम, हृदय का परिश्रम या फिर उपरोक्त सभी, तो इसमें क्या शामिल होना चाहिए, इसमें शामिल होना चाहिए फेफड़ों का परिश्रम, मांसपेशियों का परिश्रम, हृदय का परिश्रम, यानी राइट आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट कर जाएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार जुड़ गए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो लोग भी हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं 9621819209 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप लोग कांटेक्ट करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज रखा गया है, जिसमें आपको सारे पीडीएफ के रूप में क्वेश्चंस अवेलेबल कराए जाएंगे। और जो लोग स्पीड पोस्ट या फिर कोरियर के द्वारा नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं वो भी कांटेक्ट करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 184 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोरियर के द्वारा जो लोग नोट्स प्राप्त करेंगे उसका चार्ज बढ़ जाएगा, तो यहां पर देख लेते हैं 184 का सही ऑप्शन, वन मिनट, गति खेल को भी कहते हैं, इसको क्या बोला जाता है, भार प्रशिक्षण, दाब प्रशिक्षण, फाटलेक प्रशिक्षण या फिर अंतराल प्रशिक्षण, तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा, क्या भार प्रशिक्षण होगा, क्या दाब प्रशिक्षण होगा, क्या फाटलेक प्रशिक्षण होगा, क्या अंतराल प्रशिक्षण होगा। आप लोग अपनी स्कोरिंग भी करते रहिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कितने मार्क्स लाके आप सिलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि जो टीजीटी पीजीटी में आपकी नौकरी लगेगी 60,000 रुपए स्टार्टिंग होगी सैलरी, मिनिमम 60,000, मैक्सिमम तो आप लोग को पता है एक बार गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद सैलरी इंक्रीमेंट होता रहता है, तो स्टार्टिंग 60,000 पाने के लिए थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के गवर्नमेंट जॉब में आपको पता है कितना कॉम्पिटिशन है, किस तरीके से भीड़ लगती है सेंटर के बाहर,
और किस तरीके से आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि आप लोग एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद में आपको लगता है कि हमने बहुत अच्छा पेपर किया है, लेकिन जब रिजल्ट आता है उसमें आपके मार्क्स कम हो जाते हैं, तो वो आप उसमें रिजल्ट किस तरीके का पेपर टफ था या आसान था उस पर ना जाइए। आप कितना पढ़े हैं, कितनी मेहनत किए हैं, किस तरीके से मेहनत किए हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से वो पढ़ाई की है, कि किस रीजन से आपके इतने मार्क्स आए हैं। तो 184 यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, फार्टलेक प्रशिक्षण इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 185, सुनियोजित प्रशिक्षण किया जाता है, जो सुनियोजित प्रशिक्षण है कैसे किया जाता है, कौशल में महारत पाने के बाद, कौशल में महारत पाने से पहले सुनियोजित प्रशिक्षण और तकनीकी प्रशिक्षण दोनों साथ साथ किया जाता है, यानी उपरोक्त सभी। तो 185 तो इसमें जो राइट आंसर होगा उक्त सभी नहीं होगा, इसमें राइट आंसर चला जाएगा कौशल में महारत पाने के बाद हो जाता है, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 186 यहीं पे देखते हैं, दिया हुआ है आपका अवस्थांतर अवधि पर लक्षित है, जो अवस्थांतर अवधि पर लक्षित प्रदर्शन का स्थिरीकरण, अति क्षतिपूर्ति, मनोरंजन या फिर वसूली। 186 इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पे, ये हो जाएगा आपका वसूली, यानी डी ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट कर जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही होगा। 187 पे मूव कर जाते हैं, दिया हुआ है खिलाड़ियों में हताशा का कारण है, खिलाड़ियों में हताशा का क्या कारण है, खुद के प्रदर्शन का परिणाम, सामान्यतः महत्वाकांक्षा और सामर्थ्य के अव्यवस्थित स्तर, अच्छे प्रदर्शन का परिणाम, स्पर्धात्मक खेलों के नैसर्गिक परिणाम। 187 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन जो चला जाएगा आपका बी ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सामान्यतः महत्वाकांक्षा और सामर्थ्य के अव्यवस्थित स्तर। YouTube पे आप लोग जैसे ही सर्च करेंगे फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सारी वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। टारगेट क्लासेस भी धरीश सर में आप जाइएगा चैनल पे, चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको फिजिकल एजुकेशन का जो फोल्डर बना हुआ है वहां से आप सारी वीडियो देख सकते हैं। 8000 प्लस क्वेश्चन अपलोड किए जा चुके हैं, 8000 प्लस क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। और जो लोग पेड ग्रुप से हमारे जुड़ना चाहते हैं, पेड ग्रुप में आपको पीडीएफ के रूप में सारे नोट्स अवेलेबल कराएंगे, जो नोट्स वन लाइनर हुए होंगे, एमसीक्यू में होंगे, मॉक टेस्ट वहां पे डेली दिया जाता है, 20 प्रैक्टिस सेट और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज में दिया जाएगा। 9621819209 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप लोग कॉन्टेक्ट करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। 500 रुपीज का चार्ज आप लोग फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे या फिर पेटीएम के द्वारा करके स्क्रीनशॉट सेंड करिए, आपको तुरंत नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे और आपको हमारे ग्रुप जो पेड ग्रुप है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो 188 का राइट आंसर जो रिलेट करेगा यहां पे राइट आंसर हो जाएगा प्रदर्शन समृद्ध हो जाएगा, का इसका सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 189, निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य नहीं है, एथलीट की वृद्धि और विकास प्रक्रिया को गतिमान करना, एथलीट के सपने केवल जीत के संदर्भ में बनाना, एथलीट के अभिवृत्ति आदत और वर्तमान में परिवर्तन करना, और डी ऑप्शन इसका दिया हुआ है एथलीट को तकनीकी और सुनियोजित कौशलों में उच्चतम बनाना। 189 का जो राइट आंसर रिलेट कर जाएगा आपका क्या होगा यहां पे, सही ऑप्शन। तो इसमें जो राइट आंसर रिलेट कर जाएगा आपका एथलीट के सपने केवल जीत के संदर्भ में बनाना, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग अपनी स्कोरिंग करते रहिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, आप एक जब भी वीडियो देखा करिए मॉक टेस्ट के रूप में, तो आप एक रफ रखिए, वहां पे आपका जैसे ही क्वेश्चन सही हो तो एक लाइन बनाइएगा, नहीं सही होता तो कोई लाइन ना बनाइएगा, आपको उससे पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 190 नंबर का दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा 190 नंबर जो दिया हुआ है, ये यूपी टीजीटी का क्वेश्चन है। जब प्रशिक्षण भार एथलीट के सामर्थ्य से बहुत कम या अधिक नहीं होता तो उसे कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सामान्य भार, शीर्ष भार, अनुकूल भार या फिर अधिकतम भार। तो इसको जो बोला जाता है ये अनुकूल भार बोला जाता है, सी ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट कर जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 191, खेल प्रशिक्षण के एक मैक्रो साइकिल की अवधि है, 12 महीने, 10 महीने, 8 महीने या फिर 6 महीने, तो ये रिलेट करेगा ए ऑप्शन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 192, निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता में अंतराल प्रशिक्षण कम प्रभावी होता है, साइकिलिंग, तैराकी या फिर जिम्नास्टिक, तीन ऑप्शन से ही आपको आंसर मिल जाएगा, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी जिम्नास्टिक इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और जिसको भी नोट चाहिए होंगे 9621819209 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप लोग कॉन्टेक्ट करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, सारे नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में अवेलेबल कराए जाएंगे, जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज है। आप लोग पेमेंट फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे या फिर पेटीएम के द्वारा करके स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, आपको तुरंत नोट्स भेज दिया जाएंगे और हमारे जो पेड ग्रुप है उससे आपको ऐड कर दिया जाएगा, और फ्री ग्रुप से जो लोग ऐड होना चाहते हैं वो
इसी नंबर पे मैसेज करके ऐड हो सकते हैं। तो 191 के बाद मूव करते हैं 192 के बाद दिया होगा 193 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक कार्य और प्रतिप्राप्ति की क्रमबद्ध स्थिति पर जोर देती है? अंतराल प्रशिक्षण, निरंतर विद फास्ट लेग प्रशिक्षण, या फिर गतिवर्धन दौड़। 193 अंतराल प्रशिक्षण इसका हो जाएगा सही ऑप्शन। ए ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 194। वन मिनट। प्रशिक्षण केवल किसी के चुने गए खेल के लिए नहीं बल्कि किसी व्यक्ति के लिए निर्दिष्ट होना चाहिए। पसंद, कौशल, अभिरुचि या फिर सामर्थ्य। तो ये होना चाहिए किससे रिलेट करेगा? सामर्थ्य हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। डी ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 195, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एथलेटिक प्रशिक्षण के संबंध में प्रयोग यानी अप्रयोग का जैविक तत्व सामान्य रूप से यह अंतर्निहित करता है कि आप इसका प्रयोग करें या इसे नष्ट करें, इसे बनाएं या अलग करें, इसे पास रखें या छोड़ दें, इसे करें या भूल जाएं। 195 राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट करेगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और जो लोग नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं 9621819209 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग कॉन्टेक्ट करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज रखा गया। पेमेंट आप लोग फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे या फिर पेटीएम के द्वारा करके स्क्रीन शॉट जैसे ही सेंड करेंगे आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। और फ्री ऑफ कॉस्ट जो लोग ऐड होना चाहते हैं वो भी इसी नंबर पे फिजिकल एजुकेशन ग्रुप लिख के सेंड कर देंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 196। निम्नलिखित में से कौन सा वार्म अप का एक घटक नहीं है? खींचना, कैलिस्थेनिक्स, औपचारिक गतिविधि, प्लियोमेट्रिक्स। 196 व्हाट इज द राइट आंसर? प्लियोमेट्रिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। प्लियोमेट्रिक्स डी ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 197। 5 से 10 मिनट का मंद गति से टहलना निम्न स्तर के व्यायाम तथा विस्तारण कहलाता है, क्या कहलाता है? कूल डाउन, स्थिर बल, लचीलापन, वार्म अप, गत्यात्मक लचीला। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सी ऑप्शन हो जाएगा, वार्म अप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 198। किसी विश्लेषी व्यायाम में क्या शामिल होते हैं? पेशियों का बड़ा समूह, अनेक अंगों के पेशी, भेजा और पैर की पेशी, पेशियों का छोटा समूह। तो इसमें क्या शामिल होते हैं? 198 राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, अनेक अंगों के पेशी हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। बी ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 199। बल तथा गत सक्षमता का सम्मिलित सम्मिलन कहलाता है, क्या कहलाता है? जिसको भी नोट चाहिए होंगे पीडीएफ के रूप में 9621819209 ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप लोग कॉन्टेक्ट करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, DSSSP, एनवीएस, अभी आर्मी पब्लिक स्कूल में वैकेंसीज पीजीटी की आए, जिसको भी नोट्स चाहिए कॉन्टेक्ट करके नोट्स प्राप्त कर सकता है। नोट्स का प्राइस है 500 रुपीज, इसको आप लोग पेमेंट कर सकते हैं फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे या फिर पेटीएम के द्वारा। जैसे ही आप लोग स्क्रीन शॉट सेंड करेंगे नंबर पे, आपको वो नोट्स भेज दिए जाएंगे और आपको पेड ग्रुप से ऐड भी कर दिया जाएगा, जिसमें आपको मॉक टेस्ट दिया जाएगा, साथ में 20 प्रैक्टिस सेट भी, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी दिए जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ इसका राइट आंसर 199। बल तथा गत सक्षमता का सम्मिलन कहलाता है, अधिकतम बल, विस्फोटक बल, बल सहन शक्ति या फिर गत्यात्मक बल। 199 राइट आंसर चला जाएगा आपका बी ऑप्शन। आप लोगों ने आंसर इसका इतनी देर में देख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं एक बार वीडियो आप लोग देखिएगा, इसके पहले के वीडियोज भी देखिएगा, उसमें आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। जो आने वाली वीडियोज होंगे उसमें भी जितने भी क्वेश्चन इसमें पड़े हुए हैं आपके चैनल पे जो हमने अपलोड किए हुए हैं, वो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण विधि का है, विधि का उत्तम तरीके से वर्णन करता है? यह मुख्यतः विस्तारण है, या सतत प्रशिक्षण है, या आंतरिक कार्य, या मुख्यतः बाउंसिंग, उछल कूद, हॉपिंग। 200 राइट आंसर, यह मुख्यतः बाउंसिंग यानी उछल कूद, हॉपिंग है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 201। सतत प्रशिक्षण लंबी कालावधि के लिए निम्न मध्यम तीव्रता पर प्रशिक्षण है, विभिन्न तीव्रताओं पर प्रशिक्षण है, इससे वातापेक्षी तथा वात निरपेक्ष स्वच्छता में में सुधार होता, में एक कार्यक्रम का उपयोग किया जाता है जिसमें पुनरावृत्ति तथा समुच्चय होते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर चला जाएगा, सतत प्रशिक्षण क्या होता है? तो सतत प्रशिक्षण जो रिलेट करेगा ये लंबी कालावधि के लिए निम्न मध्यम तीव्रता पर प्रशिक्षण, यानी ए ऑप्शन के साथ में आंसर
रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 202 नियत कालन यानी चक्र पीरियडाइजेशन साइकिल में चरम चक्र की अवधि होनी चाहिए केवल 1 सप्ताह, 2 से 3 सप्ताह, 4 से 6 सप्ताह या फिर 5 से 6 सप्ताह। तो ये होनी चाहिए आपकी 2 से 3 सप्ताह, यानी राइट आंसर जो रिलेट कर जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, इनका बी ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 203 नंबर सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, दीर्घीकरण लैंथेनिंग के समय पेशी बल लगाता है या संचलन कहलाता है, संकेंद्री, गत्यात्मक, उत्केंद्री, स्थैतिक। तो ये क्या कहलाता है 203, ये कहलाता है आपका उत्केंद्री, यानी सी ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन है, अतिभार ओवरलोड होता है जब नियमित व्यायाम के दौरान पेशी का आकार बढ़ जाता है, एक ही समय शरीर के दो या अधिक भागों का उपयोग करने की योग्यता, आवृत्ति, तीव्रता, समय के साथ सामान्य से अधिक शक्ति से प्रशिक्षण के दौरान शरीर में सुधार लाना है, डी ऑप्शन किसी क्रिया में गति तथा बल के सम्मिलन का प्रयोग करने की योग्यता। राइट आंसर जो हो जाएगा क्या होगा इसका सही ऑप्शन आपको बताना है, थोड़ा सा आप लोग देखिएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पे, 204 राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और जो लोग नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं 9621819209 पे कांटेक्ट करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, पीडीएफ रूप में सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे जिसका प्राइस रखा गया सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज। 500 रुपीज का पेमेंट आप लोग गूगल पे, फोन पे, अमेजन पे या फिर पेटीएम के द्वारा करके जैसे ही स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे आपको सारे क्वेश्चन सेंड कर दिया जाएंगे, वन लाइनर्स के रूप में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सेंड कर दिए जाएंगे। उसके बाद आपको एमसीक्यू की पीडीएफ, उसके बाद आपको जो मॉक टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट की वीडियो, जो मॉक टेस्ट के रूप में क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो आपको डेली प्रोवाइड कराए जाएंगे, और साथ में 20 प्रैक्टिस सेट यूपीटीजीटी जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं 20 प्रैक्टिस सेट आपका एग्जाम के 1 मंथ पहले दिए जाएंगे, जो बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे क्योंकि आपने इसके पहले का एग्जाम एलटी ग्रेड का दिया होगा, उसका आपने लेबल देखा होगा किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, तो उस लेबल को लेके आपको चला जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस कराए जाए कि आप लोग सफलता प्राप्त कर सकें। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नए वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।